अरे पद्दू सर जी, बहुत जहरीली छोड़े हो कसम से, लगता है मूली के पराठे खा के आए हो। अबे यार कल्लू हवरदार, खाए तो हम मूली के पराठे ही हैं, लेकिन यार सुबह से बहुत टेंशन में है। काहे से ना, एक रुपया नहीं है जेब में, बहुत कड़की चल रही है। अरे लेकिन पद्दू सर जी, अभी 2 दिन पहले ही तो सैलरी आई है सबकी, क्या आपकी सैलरी नहीं आई है? अबे सैलरी तो मेरी भी आई है, लेकिन क्या बताएं, घर में 11 बच्चे हैं, 1 बीवी है, तो सब पैसा कैसे खर्चा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। हाँ पद्दू सर जी, महंगाई तो बहुत है, पैसा तो हमारा भी बहुत खर्चा हो रहा है। अबे जब महंगाई बहुत है तो यहाँ खड़े काय हो, जाओ जाके कोनो मुर्गा उर्गा पकड़ के लाओ तो चलान काटे कुछ कमाई करे। अरे पद्दू सर जी, बहुत डर लगता है, कैसे ना, पिछली बार आप एक साइकिल वाले का चालान काटे दे रहे थे, फिर पब्लिक बहुत पहले थी, याद है ना? हाँ यार, पहले तो बहुत गए थे, अभी भी बदन पिरा रहा है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम इस बार साइकिल वाले को नहीं पकड़ना, कोनो बाइक या स्कूटर वाले को पकड़ के लाना, ठीक है? ठीक है सर जी, अभी हम कोई मुर्गा ढूंढते हैं हलाल करने के लिए। लगा ले जब तू लिपस्टिक, झीले ला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू। ए लिपस्टिक, कहाँ चले जा रहे हो, रुको जरा। अबे यार हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और बहुत देर हो रही है, हटो जरा, हमको जाने दो। पिता पहले ऐसा करो कि तुम हमारे दरोगा पद्दू सिंह के पास चलो, उसके बाद तुम अपनी जाना गर्लफ्रेंड से मिलने। अरे देखो दरोगा पद्दू सिंह जी, ये तुम्हारा कल्लू हवलदार हमको पकड़ के ले आया है, जबकि हम इससे कह रहे हैं कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, मान ही नहीं रहा। बेटा गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ, लेकिन ऐसा करो कि तुम पहले चालान कटा लो, कैसे ना, तुम हेलमेट नहीं पहने हो। अरे पद्दू सिंह जी, हेलमेट है हमारे पास, लेकिन अभी नहीं है, अभी ना वो हमारी गर्लफ्रेंड के पास रखा है। कहे बे, कहे गर्लफ्रेंड के पास हेलमेट रखे हो अपना है? वो ऐसा है ना पद्दू सिंह जी, कि हमारा हेलमेट गंदा हो गया था बहुत, तो हम धुलने को दिए थे अपनी गर्लफ्रेंड को, बस। वाह वाह, क्या गर्लफ्रेंड है, हेलमेट भी धुल देती है, हमारी बीवी तो अपने कपड़े तक हमसे धुलवाती है। शकल से आप लगते भी हो ना एकदम जोरू के गुलाम। क्या बोला तू? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं पद्दू सिंह जी, हम बस कह रहे थे कि क्या अब हम जा सकते हैं। अरे जाओगे कैसे बेटा, हेलमेट तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा ऐसा करो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ जरा। अरे दरोगा साहब, ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं हमारे पास। अबे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, तेरा चालान कटेगा। अरे 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 सर, ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे पास, लेकिन अभी ना वो मेरी गर्लफ्रेंड के पास रखा है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब ये भी बता दो कि काहे रखे हो गर्लफ्रेंड के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है? अरे ऐसा हुआ ना दरोगा साहब, कि वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ना गैया खा गई थी, तो भैया हम फिर इंतजार किए गैया पोटी करे, फिर जब देखे गैया गोबर करी, तब उससे हम ड्राइविंग लाइसेंस निकाले, लेकिन फिर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस सही करने के लिए हम अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे कि वो जोड़ जोड़ के सही कर दे उसको। चले झूठ बोलता है, अगला समझे हमको। इसमें समझना क्या है? क्या बोला? अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं दुर्गा साहब, हम ये कह रहे थे बस कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हमारी गर्लफ्रेंड के पास रखा है। अच्छा बेटा ठीक है, ऐसा करो कि अब तुम अपने गाड़ी के पेपर चेक कराओ, और हाँ अब ये ना कहीं ना कि गाड़ी के पेपर भी तुम गर्लफ्रेंड के पास रखा हो। अरे पद्दू सिंह जी, अब क्या बताएं कि हमारी गाड़ी के पेपर भी हमारी गर्लफ्रेंड के पास ही रखे हैं। गर्लफ्रेंड ना हो गई, बैंक का लॉकर हो गई, सब कुछ उसी के पास रखता है। चल ऐसा कर बेटा, बुला अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके, हम भी तो देखें का भला है तेरी गर्लफ्रेंड, बुला। अरे जान सुनो जरा, कहाँ मर गए हो तुम, अभी तक मिलने कहे नहीं आए हमसे। अरे जान क्या बताएं, यहाँ टोपालाल चौराहे पे हमको दरोगा पद्दू सिंह पकड़ ली से, और कह रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाओ तभी छोड़ेंगे, तो जान तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है आते हैं 10 में, वहीं रुको। ए लड़की,
तुम ही हो इस लड़के की गर्लफ्रेंड? हाँ हम ही है। और ये बताओ कि हमको यहाँ काहे बुलाए हो और काहे पकड़े हो हमारे चपलू को? अरे ये तुम्हारा चपलू कह रहा है कि इसका हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज सब तुम्हारे पास है, सही बोल रहा है ये? हाँ इसने सब हमको दिए थे। तो कहाँ है सब, दिखाओ। अबे इसने सब हमको दिए थे लेकिन अब हमारे पास नहीं है। कैसे, हेलमेट इसका था बहुत गंदा, हम सोचे कि साफ कर दें तो हम उबलते पानी में डाल दिए तो वो लोकल कंपनी का हेलमेट गल गया पूरा। और इसके जो गाड़ी के कागज थे और ड्राइविंग लाइसेंस था वो सब बहुत खराब हो गया था तो हम उसको जोड़ जाड़ के ऊपर छत पे सूखने के लिए रखे थे, लेकिन क्या बताएं हमारा टॉमी कुत्ता गया और सब खा गया। अब जब वो कल पॉटी करेगा तब शायद मिल जाए। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी के कागज नहीं है और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान कटेगा। तो बेटा चंपू निकालो 5,000 रुपया। अबे पद्दू सिंह तू चालान तो काट के देख, मैं तेरी मुंडी काट दूंगी। ए लड़की बहुत कायदे में रहना, बता दे रहे हैं। चल बे हट थू। अरे अरे मैडम गुस्सा नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, ऐसा करते हैं हम लोग मामला रफा दफा कर देते हैं है ना, बस ऐसा करो कि आप 1,500 रुपया दे दो और ले जाओ अपने चंपू को। साले घूस मांग रहा है तू? अरे मैडम ये घूस नहीं है, ये तो बस चाय पानी के लिए ले रहे हैं हम लोग। अबे टोपा ये घूस है, पगला समझा है क्या मुझको? अरे लड़की तेरा बहुत मुंह चल रहा है, अगर आप एक शब्द भी और बोला ना तो तुझे और तेरे चंपू दोनों को हवालात में डाल दूंगा, समझी? अच्छा बेटा तुम मुझे हवालात में डालोगे, अभी बताते हैं तुमको।